ये है टाइपो, पूरा एकदम बारिश का सीन हो रहा है। अरे उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। सामने थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ जाने का प्लान ठीक किया कि गलत पता नहीं चल रहा। लुक एट द व्यू। तो हम लोग निकल रहे हैं बाहर, तो होटल से बाहर चलते हैं। तो ये होटल का फ्रंट, उसके एकदम सामने ही बस स्टैंड है, मतलब यहाँ का लावा का बस स्टैंड है। ये है होटल, सुबह आपको ठीक से दिखाऊंगा। एक्चुअली इस साइड में मार्केट है शायद, हमारे फैमिली मेम्बर्स गए थे। कहाँ गए थे? नीचे, नीचे मार्केट है खुला हुआ, हम लोग नीचे घूम के आते हैं। फिर सब लोग का घूमना हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं एज यूजुअल लेट। एक्चुअली मेरा जो कोशिश है, मेरा और आयश्री का, हम दोनों को यहाँ का लोकल कुछ ट्राई करना, मतलब लोकल क्विजीन टाइप का कुछ। यहाँ पर एक देखा हमने कि मतलब मोमो है, चाउमीन है, टाइपो नाम का कुछ है, TIPO। अभी वो उसी दिख में जा रहे हैं हम। ये वाला साइन बोर्ड में ये टाइपो लिखा हुआ है, ये इसने मेरा अट्रैक्शन खींच लिया अपने। टाइपो टाइपो, चलिए यहीं पर ट्राई करते हैं कुछ। तो हम लोगों ने अभी ऑर्डर दिया है दो टाइपो, एक पार्सल जाएगा दीदी के लिए और मेरे लिए एक टाइपो, चिकन टाइपो और तुक्का। तुक्का क्या चीज का बोला है? वेज तुक्का, चिकन तुक्का। ये तुक्का आ गया, चलिए खाते हैं लास्ट वाले में। तो ये है चिकन तुक्का, बड़ा बड़ा नूडल्स। अभी तक का जो रिव्यू है अच्छा टेस्ट है। अच्छा आयश्री का भी रिव्यू ले लेते हैं, ये कैसा लगा तुमको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है चिकन का ब्रॉथ जो है, ये अच्छा है बहुत। स्टू चिकन स्टू जैसा होता है ना, वैसा फ्लेवर है कुछ, और थोड़ा चाइनीज टाइप का फ्लेवर है। एक्चुअली इतने सारे फोर्क इसलिए है कि हम लोग सब जन मिलकर ट्राई कर रहे थे एक बाइट करके, अच्छा ही लगा सबको, अच्छा लगा। एक्चुअली लोकल क्विजीन ट्राई करना ही तो असल है, मतलब हम जो घर में खाते हैं अगर वही बाहर आके खाएंगे तो क्या मतलब होता है, इसलिए बाहर आके बाहर का कुछ क्विजीन ट्राई करना चाहिए। ये है टाइपो, ये है टाइपो, ये है बड़ा वाला मोमो। अभी ये ट्राई करने वाले हैं, ये मेरा फर्स्ट तुक्का, मैंने पहली बार पहले खा चुका हूँ मैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। चलो तुम खाओ पहले, तो ना देखना अंदर क्या है। अच्छा मोमो जैसा, ये काटो, ये इसके अंदर एक अंडा दिया है इन लोगों ने। थोड़ा सॉस ठीक ठाक है, एवरेज सही है। उसके अंदर अंडा है, अच्छा अंडा निकल के आ गया, लो चलिए अंडा खा के देखते हैं कितना बॉयल हुआ है। ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ के चिकन मोमो में एक चीज़ है, चिकन नहीं है, ज़्यादा प्याज डाला हुआ है। तो चलो आके फिर बात करता हूँ। खाना हो गया, टाइपो एवरेज सही था, बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। तुमको अच्छा लगा, तुम्हारे लिए और एक बोल दूँ? जैसे तैसे हम लोग अभी होटल में आए, मतलब हम लोग एक किलोमीटर नीचे गए थे होटल से एक किलोमीटर नीचे गए थे मार्केट देखने, तो वहीं पर अटक गए थे क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये जैसे आया भागा भागा, फिर छतरी लेके फिर गया, मतलब बहुत एडजस्ट करके आए हैं अभी अभी, और एनर्जी नहीं बचा है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लावा। तो गुड मॉर्निंग, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, मुझको छोड़ो। तो ना, तो आज हम लोग का प्लान था पेलिंग जाने का, एक्चुअली प्लान है पेलिंग जाने का,
लेकिन एज यूजुअल बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। सुबह से कल रात से प्रॉपरली, मतलब वीडियो तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। अभी हालत देखो सर, ये है हालत, मतलब सामने कुछ नहीं दिख रहा, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। ये पूरा एटमॉस्फेयर फॉगी है और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल रात से ये कॉन्स्टेंट एक ही स्पीड है बारिश का, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, कि एक ही टाइप से चलता जा रहा है। तो सुबह क्या हुआ, हम लोग सब मिल के मतलब थोड़ा डर गए थे, क्योंकि बारिश का एटमॉस्फेयर पहाड़ी एरिया के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने क्या किया, चलो घर चलते हैं, इसलिए बस बुक किया। तो अभी बस बुक करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा एक फैमिली मेम्बर, फ्रेंड एक्चुअली, वो पेलिंग में ही है। तो उसको फ़ोन करके पूछा कि वेदर कैसा है वहाँ का, वो बोला है ड्रिजल हो रहा है, लेकिन तुम्हारे यहाँ का जैसा बारिश नहीं हो रहा है। तो फिर से हमने प्लान सेट किया, मतलब बहुत कन्फ्यूजन है। तो अभी चलो फ्रेश होके, 15 मिनट ही है हाथ में, जल्दी जल्दी पेलिंग की तरफ निकलते हैं। तो हम जो होटल में रह रहे थे उसका नाम था ऑर्किड, ऑर्चिड ना ऑर्किड, ऑर्किड। तो ये कहाँ पर है होटल, और एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए होटल का। लावा बाजार के पहले ये होटल बहुत पुराना है, सबसे पुराना ये होटल है। और ये जो होटल है एकदम, ये हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ठीक सामने ही है ये होटल। तो मैं इनका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए बाहर निकलते हैं। छाता ऊपर रखेंगे। तो एक्चुअली जैसे तैसे हम लोग एडजस्ट करके होटल से बाहर आ गए, और अभी हम सब लोग जा रहे हैं पेलिंग की तरफ, लेकिन बारिश जो है रुकने का एकदम से नाम नहीं ले रहा है। ये पूरा एकदम बारिश का सीन हो रखा है। तो चलो मतलब सामने थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ एकदम बैक में लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहाँ से गाड़ी बैक करके हम यहाँ पर चले आए हैं। पर रुके हुए हैं अभी, क्योंकि वेदर तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा ही है। जाने का प्लान ठीक किया कि गलत पता नहीं चल रहा। अभी यहाँ पर हम हैं, वो वाला हमारा गाड़ी है, उसके सामने भी एक हमारा गाड़ी है, मतलब वो दो। अभी लैंडस्लाइड के चक्कर में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, देखते हैं कितनी देर वेट करना पड़ता है। रोड क्लियर का भी एक चीज़ है। हाँ चलो, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। बहुत रिक्स में मैं फ़ोन निकाला हूँ अभी, मतलब हम लोग बारिश में एक फॉरेस्ट के अंदर रुके, वहाँ पर रुके हैं। लुक एट द व्यू, दारुण मतलब, लुक एट द व्यू। हम लोग यहाँ पर है, दोनों का रुके हैं थोड़ा पिक्चर लेने के लिए। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। पाखी, एनीथिंग फॉर द कॉन्टेंट। तो अभी इसको रख देते हैं। तो अभी बारिश में भीग के हम लोग आए खाना खाने। अभी हम लोगों ने सिक्किम का बॉर्डर जो है क्रॉस किया है, अभी हम सिक्किम में आ चुके हैं। अभी यहाँ से नामची जाएंगे, उसके बाद पेलिंग जाएंगे। आज पेलिंग जाना नहीं होगा शायद, बारिश से थोड़ा बहुत हालत खराब है। सब भीग चुके हैं यहाँ पर, ये भीग चुकी है, दीदी भीग चुकी है, मेरा भांजा भीग चुका है, ये भीग चुका है, सारे भीग चुके हैं। अभी डायरेक्ट नामची जाके सब लोग फ्रेश होंगे, चेंज करेंगे। अभी बज रहे 3, तो हम लोग को कुछ खाना है, इसलिए खाने आ गए। 4 बज गए, अभी बज रहे 4। हमने अभी तक कुछ नहीं खाया सुबह से,